हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ये देखिए, ये हिबिस्कस की प्लांट है, रेड कलर के इसमें फ्लावर आते हैं, ज़मीन में लगी हुई है। और ये देखिए, ये है सीम, बीज से लगाए गए हैं, अभी ये ग्रो हुए हैं। और ये है कॉसमोस, नर्सरी से एक बार लाकर लगाया गया था, उसके बाद सीड्स गिरते रहते तो ये हमेशा खुद पे खुद उगते रहते हैं। और ये है मिनीचर हिबिस्कस पिंक कलर के, छोटे साइज वाली। देखिए कलियाँ कितनी आई हुई है, हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है। देखिए हर ब्रांच पे कलियाँ बनी हुई है। और ये भी हिबिस्कस है, ऑरेंज कलर के रहते हैं बड़े वाले, बीच में रेड कलर के रहते हैं वही है। और ये है मोगरा, ये नर्सरी से लाया हुआ है। और ये भी देखिए कॉसमोस है। और ये देखिए बरबट्टी के बीज यहाँ पे डाले गए हैं तो पौधे उग गए हैं। देखिए ये भी है, ये भी है बरबट्टी। ये देखिए ये करेला, करेला का बीज डाले गए हैं यहाँ पर। देखिए कॉसमोस। और ये है डबल पेटल चांदनी, देखिए कलियाँ कितनी सारी है, इसमें खुशबू भी होती है भीनी भीनी सी, पूरा कलियों से प्लांट भरी हुई है। कटिंग से लगाया गया वो पौधा है, दो लगा हुआ है, देखिए दो पौधा है, दो कटिंग से लगाई दीदी, दोनों लग गई है। यहाँ भी देखिए कॉसमोस खुद से उगे हैं। यहाँ भी देखिए करेला, बीम। और ये देखिए गुलदाउदी, क्रिसेंथिमम, चंद्रमल्लिका भी इसे बोलते हैं, गुलदाउदी बोलते हैं। इसको हमेशा पिंच करेंगे तो अच्छा रहेगा, हमारा प्लांट भूसी होगा और बहुत सारी फ्लावरिंग भी होंगे विंटर में। देखिए अपराजिता बेल, ब्लू कलर के सिंगल पेटल, इसके अगर फूल आप नहीं तोड़ेंगे तो देखिए इस तरह से फलियां बनती है। ओके फ्रेंड्स, बाय।